सवाल के टिप्पू। इस साल 9 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव लोकसभा की जंग से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। राजस्थान और कर्नाटक उन राज्यों में शामिल है जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन इन राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम राजस्थान के दौसा में 18,000 करोड़ से ज्यादा लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को देश को समर्पित भी करेंगे। वैसे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पहले से चल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका राजस्थान खंड तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 में होने वाली जंग का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। साथ ही राजस्थान खंड का तैयार होना इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यह खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा में लगने वाले वक्त को करीब 5 घंटे से घटाकर लगभग 3.5 घंटे कर देगा। सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को विकास और कनेक्टिविटी के इंजन के तौर पर पेश करना चाहती है, जिसका राजस्थान सेक्शन देश को समर्पित किया जाएगा। कुल 246 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस सेक्शन के शुरू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा सुगम हो जाएगी और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 12% कम हो जाएगी। साथ ही इस सफर में लगने वाला समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे यानी ठीक आधा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री 5,940 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें बांदीकुई से जयपुर तक 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली 67 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क और लगभग 3,775 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली 6 लेन की एक अन्य सड़क भी शामिल है। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस साल एरो इंडिया का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों समेत 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। यह आयोजन स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित होगा। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की उन्नति और रक्षा क्षमताओं को दिखलाएंगी। एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी जाएगी। यह प्रदर्शनी स्थानीय लिहाज से एक बड़ा आकर्षण होगी। कर्नाटक ही वो राज्य है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होनी है और यह मुकाबला देखना काफी दिलचस्प होगा। चुनाव आज तक।